नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर पन्ना जिले के अमानगंज से है, जहां पर एक बार फिर से एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक का स्टाफ इस हादसे में घायल हुआ है। अमानगंज में तीसरे दिन के अंदर तीसरा सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें पन्ना से पवई की ओर जा रही फोर व्हीलर अनियंत्रित होकर यूकेलिप्टस के पेड़ से जा टकराई। गाड़ी में सवार 7 लोग घायल हो गए। 7 लोगों में से 6 शिक्षक और एक ड्राइवर है, जिन्हें उपचार के लिए अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना से पवई जा रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टाफ की टाटा सुमो पेड़ से टकरा कर हादसे का शिकार हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए और इस सड़क हादसे में पॉलिटेक्निक कॉलेज पवई के प्राचार्य अरविंद त्रिपाठी सहित 6 प्रोफेसर और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में 3 गंभीर घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मुझे आईडिया नहीं है, जब मतलब अपने आप को होश में पाया मैंने, तो मैं टेम्पो में था। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो मैं पन्ना से पवई जा रहा था। कौन चला रहा था? तो कोई वाहन से टकराई है कि ऐसी हाँ, अभी लगभग 11:30 बजे एक एक्सीडेंट आया था, जिसमें करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें 2 व्यक्तियों को जिसमें जीवन लाल चिंता है, उनके सर में चिंता है, लगभग 2 घंटा चली है, उनको प्राथमिक उपचार करने के बाद आगे इलाज के लिए रखा।